चैनल में। और आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आइए आज उसी का एक्सटेंशन में आपको कुछ बातें बताता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग निरंतर सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, श्वसन प्रक्रिया जो है वो 24 घंटे निरंतर चलती रहती है और यही मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाती भी है। मित्रों, जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं तो हंसह की प्रक्रिया होती है और जब छोड़ते हैं तो सोहम की प्रक्रिया होती है, इसको हंसह सोहम कहते हैं। और यह जो विधि है यह अजपा जप के नाम से भी जानी जाती है। और आपको मैं बता दूं एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात कि यह जो सांस की प्रक्रिया है, यह जो अजपा जप की प्रक्रिया है, यह जो हंसा सोहम की प्रक्रिया है, यह एक मंत्र जाप है मित्रों। और हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो उसे ईश्वर को समर्पित करते हैं, लेकिन मानव जीवन में जन्म लेने के बाद भी हमारी यह जो सांसों की माला है यह बेकार हो जाती है क्योंकि हम इसको ईश्वर को समर्पित कर नहीं पाते। तो यहाँ पे मेरी सलाह आपको यही है कि आप किसी भी विद्वान इंसान को बुलाकर, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर एक संकल्प ले लें जिसमें पंडित जी आपको संकल्प करवाएंगे कि यह जो आपके सांसों की माला है, यह जो अजपा जप की प्रक्रिया है, यह जो हंसा सोहम की प्रक्रिया है, यह परमात्मा को समर्पित हो जाए। तो मित्रों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बगैर पूजा किए पूजा का फल, संपूर्ण पूजा का फल पाते हैं। तो आपको बस जरूरत है किसी विद्वान ब्राह्मण से संकल्प लेने की। तो अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो फिर क्या है, आपकी सांसों की माला प्रभु के चरणों में निरंतर जाती रहेगी और आपको बगैर पूजा के भी पूजा का लाभ मिलता रहेगा। मुझे लगता है कि यह जानकारी आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी और बहुत ही सरल उपाय है ईश्वर को पाने का। और पूरी तरह से आशा करता हूँ कि आप इस उपाय को करेंगे, इसमें आपका बहुत कुछ नहीं जाता, सिर्फ संकल्प लेना है आपको अजपा जप का। और किसी भी ब्राह्मण से आप बोलेंगे तो उनको यह पता होता है, वह आपको अजपा जप का संकल्प करा देंगे। तो फिर क्या है, आप अपने सांसों की माला को प्रभु को समर्पित कीजिए क्योंकि यह बेकार चली जा रही है। तो आशा करता हूँ मित्रों यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और रोचक लगेगी और बहुत उम्मीद है कि आप मुझे प्यार देंगे। जय श्री राम।